खबर रामपुर से है। रामपुर से एक ऐसी खबर है जिसमें पुलिस प्रशासन का काला सच सामने आया है। यहां एक महिला पुलिसकर्मी ने एसओ की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया, इसके बाद उसने एसओ की डंडे से पिटाई कर दी। ये पूरा मामला खजुरिया थाना एसओ राजीव कुमार के थाने का है। मामला सामने आने पर पुलिस कप्तान ने महिला पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। इस बीच महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो जारी करके एसओ पर कई गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि ये वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं। इसके साथ महिला पुलिसकर्मी ने यह भी कहा कि एसओ 7 दिन से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे ने मेरी स्कूटी तोड़ दी। महिला पुलिस ने एसओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोई इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये लोग स्कूटी घर में या किसी दूसरी जगह तमंचा रखवा कर उसे फंसा देते हैं। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी के बीच स्कूटी को लेकर विवाद चल रहा था और एसओ जो है कि उसे परेशान कर रहा था, जिसके कारण ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो नाराज चल रही थी। जुड़ चुके हैं फहीम, क्या है ये पूरा मामला? के ये जिस तरह से रामपुर के थाना खजुरिया का मामला सामने आया है, इसमें आरोप है कि जो एसओ है राजीव कुमार, उनकी आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद महिला आरक्षी आरजू देवी ने उनकी पिटाई कर दी डंडे से, जिसमें वो घायल हो गए। उन्होंने अपना मेडिकल भी कराया है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये कुछ दिमाग से भी कुछ पैदल लगती है महिला, और जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें महिला जो आरक्षी है आरजू, उसने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं एसओ के ऊपर। और इसके अलावा सिस्टम में उसने कहा है कि जो सिस्टम का काला सच है मैं सब लोगों को बताऊंगी, उसने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाने के बाद जिस तरह से काला सच बताकर उस जानकारी देना चाहिए है आम लोगों को और वीडियो वायरल किया है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल खड़े करता है कि रामपुर के अंदर पुलिस का सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। क्षेत्राधिकारी जो बिलासपुर है उनके लिए महिला आरक्षी ने कहा कि वो उनके पास गई थी लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकारी की वजह से इस मामले ने तुल पकड़ा और तुल पकड़ने के बाद ये मामला यहाँ तक पहुंचा कि एसओ के साथ मारपीट हो गई और उसके बाद एसओ घायल हो गए। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षी आरजू देवी ने अपने ही सिस्टम के, अपनी पुलिस सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला है और उनकी कलई खोली है, उनकी पोल खोली है, ये अपने आप में रामपुर के अंदर इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।